सो हे एवरीवन, वेलकम टू पैसिफिक स्टूडियो। तो आज किस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस को यूज कर प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पर हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पैसिफिक कोडिंग कर एक वेबसाइट यहाँ पर बनाया है अपने लोकल होस्ट पर। और यहाँ पर हेडर भी दिया हूँ, यहाँ पर होम हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, वर्डप्रेस हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया। और नीचे यहाँ पर मैंने फुटर में भी यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपीराइट का भी, ये भी मैंने लिखा है। और अबाउट अस, डिस्क्लाइमर का, कॉन्टेक्ट अस भी लिखा है। यहाँ से बहुत सारे आप लिख सकते हो जो भी जो जो आपको रिकमेंडेड हो। तो मैंने बस इतना ही लिखा है। और यहाँ पर सर्च बार है, रिसेंटली पोस्ट है, और यहाँ पर होम है। अभी कोई भी पोस्ट मैंने डाला नहीं है अपने लोकल होस्ट पर। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे हम यहाँ पर अपना प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करते हैं अपने वर्डप्रेस में ही। तो यहाँ पर हम अपने वर्डप्रेस में चलते हैं और वर्डप्रेस में आने बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने बाद यहाँ पर प्राइवेसी पर आना है। प्राइवेसी पे यहाँ पर क्लिक करने बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा चेंज योर प्राइवेसी पॉलिसी पेज। यहाँ पर क्लिक करोगे, फिर प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कर देना है, फिर यूज दिस पेज पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको पेज में आना है। पेज में आने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर लिखा मिल जाएगा जो ड्राफ्ट में है अभी। तो यहाँ पर क्या करना है, एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करने बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इसे पब्लिक कर देना है। तो यहाँ पर पब्लिश करने के बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारे वेबसाइट में शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर अपने वेबसाइट को यहाँ पर अपने वेबसाइट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें आना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने बाद यहाँ पर मेन्यू में आना है। मेन्यू में आने बाद यहाँ पर आना है फुटर में। यहाँ पर आपको फुटर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ फुटर सिलेक्ट करने बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, उस प्राइवेसी पॉलिसी को इसमें अगर नहीं दिख रहा है तो आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने बाद प्राइवेसी पॉलिसी पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, एड टू मेन्यू करना है। एड टू मेन्यू करने बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आ गया है। फिर यहाँ पर सेव मेन्यू करना है। सेव मेन्यू करने बाद क्या करना है, यहाँ पर आना है अपने वेबसाइट में। फिर से यहाँ पर रिफ्रेश जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आपका शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ रिफ्रेश कर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश किया तो यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी आ गया। तो इसे मैं क्लिक कर ओपन करता हूँ। आप देख सकते हो ये जनरेट प्रेस की तरफ से, यहाँ पर जनरेट प्रेस की मैं थीम यूज कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत ही अच्छे से फास्ट भी है काफी। तो यहाँ पर वर्डप्रेस ने मुझे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके दे दिया, ठीक है। तो हु आर यू, यहाँ पर सजेस्टेड टेक्स्ट और वेबसाइट एड्रेस, यहाँ पर लोकल होस्ट में यूज कर रहा हूँ तो लोकल होस्ट मेरा दिखा रहा है। इस लोकल होस्ट को मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीजें हाइड ना करना पड़े, क्योंकि जो ऑनलाइन जो मेरी वेबसाइट है अगर मैं उसे हाइड करता हूँ तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मैं अपने लोकल होस्ट पर आपको पूरी अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप भी यहाँ पर लोगो लगाना और यहाँ पर हेडर सेट करना चाहते हो और लास्ट में ये फुटर भी अच्छे से सेट करना चाहते हो, यहाँ पर कॉपीराइट भी अच्छे से लिखना चाहते हो, तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है उसे जाकर देख सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना।